छत्तीसगढ़ जशपुर के पठारी व बगीचा क्षेत्र की जनता कूड़िया को जिला बनाने की मांग कर रही है। बगीचा में जनजातीय समाज ने हजारों की संख्या में सड़क पर उतरकर आह्वान रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। बगीचा अनुभाग जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर अनुभाग केवल को ही अगर जिला बना दिया जाए तो जैसे गरियाबंद है छोटा छोटा, उस टाइप का हम लोग का जिला बन सकता है। और इस जिला अभियान समिति जो संघर्ष समिति है वो इसको आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने की मंशा बनाए हुआ है। और इसका सबसे पहले तो जनजाति सुरक्षा मंच ने उठाया था जिला बनाव अभियान को ये सन्ना से, तो इसी को हम लोग आप विस्तृत रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जिला बनाने की इसलिए पड़ गई क्योंकि जशपुर जिला बहुत दूर है। जैसे सारूढाब है, दनगरी है, करीबन 90-95 किलोमीटर पड़ेगा, 90 किलोमीटर लगभग। और बगीचा अगर बनता है खुड़िया जिला के नाम से तो ये आसपास के क्षेत्रों की विकास अच्छी तरह से हो सकती है। बगीचा इलाके से आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है जो जशपुर से अलग कर स्वतंत्र जिले की मांग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की मांग है कि बगीचा व पाट इलाके को मिलाकर नया खुड़िया जिला बनाया जाए। इस क्षेत्र की आम जनताओं की मांग है कि इस भौगोलिक क्षेत्र बगीचा और खुड़िया क्षेत्र का करीब 2-4 हज़ार किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में बसा हुआ है और यहाँ से जिला जशपुर जो है बहुत दूरी पड़ता है। और इसके चलते इस क्षेत्र की जनताओं का सोच है कि कम से कम हमारे बगीचा और खुड़िया क्षेत्र में जिला बने। इसके चलते आज जो है रैली निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और ये भी जारी रहेगा जब तक हमको जो है फुल आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक अभियान जारी रहेगा। ये लोग खुड़िया जिले की मांग कर रहे हैं, उसी के लिए इधर आंदोलन कर रहे हैं। अपन सौंपा गया है ग्रामीणों के द्वारा इसके लिए और इसको हम शासन को भेजेंगे। कानपुर से चलकर भिवानी जाने वाली कालिंद्री एक्सप्रेस बलराजपुर स्टेशन पर खड़ी होते ही शौचालय में धमाका हो गया था, जिसके बाद कानपुर में हुए ट्रेन धमाके की गूंज फरुखाबाद तक आई। खबर आते ही बीती रात जिले में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। पुलिस ने रेलवे स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। बीती रात पुलिस बल व डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ते के साथ फरुखाबाद व फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने संदिग्ध लोगों की तलाश ली और जाँच पड़ताल की। भारी संख्या में पुलिस फोर्स GRP व RPF को देख कर यात्री सहमे रहे, लेकिन कोई संदिग्ध हाथ नहीं लगा। कैसा धमाका लगा? अब तक मेरे काम में दर्द हो रहा है, बिल्कुल मैं पास में था उसके, बिल्कुल करीब में ही था इसके। आपको बारूद जैसी खुशबू लग रही है? हाँ, बारूद जैसी। बारूद तो पूरा डब्बे को लग रही है। आप तो डिफेंस के आदमी, आपको तो खुशबू अच्छी लग रही है। बिल्कुल आ रही है, मैं NCC का नेशनल कैडेट कोर का जवान हूँ। अच्छा, ये बताइए उसमें क्या कुछ डिब्बे रखे थे कोई, या गत्ते टाइप के रखे थे आसपास वहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ से इस वाली में बाथरूम में वॉशरूम में टॉयलेट करके वो मैं आ गया था निकल उसकी बगल वाली से। हाँ, उसकी बगल वाली से वहाँ का इधर गत्ते वगैरह रखे थे वहाँ पे? एक मैंने अनजान आदमी देखा था वहाँ पे, जो कंबल ओढ़े हुए था। उसके बाद मैंने उसको हटाया भी था वहाँ से। मेरे पास भी शायद यहाँ है नहीं, दिखाई नहीं दे रहे, वो चले गए। मैंने उसको हटाया भी था, मैंने कि तू उतर जा भाई, उसके पास टिकट वगैरह कुछ नहीं थी। अब वो मुझे देख के उतर गया। अब उसके बाद ये नहीं पता कि वहाँ उतरा था, मैं ऊपर चढ़ गया हूँ और उतरने के बाद में धमाका हो गया। आपको जाना कहाँ है? आगरा। नहीं, मैं आना टिमरा से चीज करूँगा। कान पर्दा फट गया आपका, बहुत तेज आवाज थी। कांचीराम कॉलोनी अकबरपुर सराय घाग में एक बाप ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 3 साल के मासूम बेटे को पहले बेल्टों और चप्पलों से पीटा, चीख पुकार सुन पड़ोसियों ने मासूम को बचाया और बाप को पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसा संज्ञान में आया कि
जो माँ खत्म हो चुकी थी, पिता ने दोबारा शादी कर ली, तो उस बच्चे की जो दूसरी माँ थी उसने बच्चों को काफ़ी मारा पीटा, जला भी दिया, और बच्चों को नहला भी दिया, जिससे बच्चे की जो देख रेख के लिए वो प्लान बनाया। तो बच्चों को सबसे मेडिकल सुविधा दी जाएगी, मेडिकल सुविधा पश्चात बच्चों को बाल कल्याण समिति के आदेश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्चा जिसके पास उपयुक्त पर्सन होगा उस बच्चे को उसके देखरेख में रखा जाएगा। कांचीराम कॉलोनी में मुन्ना नाम के एक युवक ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपने 3 साल के मासूम बेटे को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि 2 साल पहले उसने अपनी बीवी को करंट लगाकर मार दिया था। पड़ोसी नीतू सिंह सहित कई लोगों ने उसे बचाया। कॉलोनी वासी बच्चे को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। कल वाले दिन हम लोग सब लोग उधर खड़े थे तो बच्चे की रोने की आवाज़ आई, तो हम लोग जब आके देखे तो ये बच्चे को बांध के मार रहा था बेल्ट और क्या नाम चप्पल से, और क्या नाम बंधा हुआ पड़ा था ये। सभी लोग मेरे कॉलोनी के घुस के बच्चे को निकाला, 100 नंबर डाल किया। जब कहने लगे क्यों मार रहा, कहने मेरा बच्चा तुम लोग कौन होती हो, हम क्या चाय क्या नाम सलपास खिला दें। कौन कह रहा था भाई? इसका क्या नाम बाप और वो जो सौतेली माँ आए वो। फिर हम लोगों ने बच्चे को मतलब अंदर से बाहर निकाला, पुलिस को 100 नंबर पे सूचना दी, पुलिस आई पकड़ लेगी उसको। हाँ पकड़ लेगी। क्या देखी गई है कि उसका पिता उसे मार रहा है, इसलिए इंस्पेक्टर को भी बता दिया गया है कि वो इस पर कार्रवाई करें, और बाल संरक्षण अधिकारी को भी बुला के हैंड ओवर कर दिया गया जो भी वैधानिक कार्रवाई हो उसका कार्रवाई हो रही है। इंस्पेक्टर को भी बता दिया गया, फोन से भी बता दिया गया, अप्लीकेशन भी मार्क कर दिया गया, और बाल संरक्षण अधिकारी को भी बुला के कह दिया गया बच्चे का पूरा, और उसका मेडिकल भी चेकअप करा दिया गया।